हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ से संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण या छत्तीसगढ़ से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य या CGPSC के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके सी सेट के सॉल्यूशन सारे चीज हमारे चैनल में अवेलेबल है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर ये सारी चीज पढ़ सकते हैं, चाहे वो आर्थिक सर्वेक्षण हो या CGPSC द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हो। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ के दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह का करेंट अफेयर। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप लिंक में जाके टेलीग्राम चैनल में हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह का करेंट अफेयर। तो यहाँ देखिए आप, दीपेश सिन्हा जो कि वॉलीबॉल के खिलाड़ी है छत्तीसगढ़ के दीपेश सिन्हा जो भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम में शामिल हुए हैं, नेपाल में आयोजित दक्षिण एशियाई टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। साथ ही 2020 में टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफायर में भी ये शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ के कौन है? दीपेश सिन्हा, जो कहाँ के रहने वाले हैं? भिलाई के रहने वाले हैं, और जिन्होंने भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम में शामिल हुआ है और गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ जीता है? तो ये नेपाल आयोजित दक्षिण एशियाई टूर्नामेंट में। तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी, अगर नहीं थी तो अब आपको हो गई होगी। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, जो 13वां दक्षिण एशियन गेम हुआ है जो काठमांडू नेपाल में हुआ है, तो ये हुआ है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। 10 दिवसीय कार्यक्रम था, खेल का आयोजन था 10 दिन का, और इसमें भारत का स्थान था पहला। और इसमें कितने पदक जीते? भारत ने 312 पदक जीते हैं। स्वर्ण कितने जीते? तो 174। रजत की बात करें तो 93 और कांस्य की बात करें तो 45। इसमें 7 देशों ने भाग लिया था, भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और भूटान। ये 7 देश इसमें भाग लिए थे, जिसमें पहला स्थान था भारत का, दूसरा स्थान था नेपाल का, तीसरा श्रीलंका का, चौथा पाकिस्तान का, पांचवा बांग्लादेश, छठवां मालदीव और सातवां भूटान का था। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर से रिलेटेड करते हैं, क्योंकि दीपेश सिन्हा जो थे वॉलीबॉल के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे, और साथ ही साथ भारत का इसमें पहला स्थान है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इधर देखते हैं पांडुरंगा राव जो छत्तीसगढ़ के कार्टूनिस्ट थे उसके बारे में। तो पांडुरंगा राव जो कि कार्टून कला का प्रदर्शन करते हैं, जो छत्तीसगढ़ के कार्टूनिस्ट कहलाते हैं, उन्होंने यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम लेजेंडरी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, भिलाई स्टील प्लांट के रिटायर्ड अफसर हैं कौन? पांडुरंगा राव, जो कि देश में जाने माने कार्टूनिस्ट है। कार्टून क्षेत्र में 40 साल से अद्वितीय योगदान रहा है किनका? पांडुरंगा राव का। और देश के 5 व्यक्तियों के से छत्तीसगढ़ी पांडुरंगा राव को भी यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम लेजेंडरी अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में इन्हें URF एशिया अवार्ड से भी नवाजा गया था। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कार्टून प्रदर्शन के कारण 15 बार इनका जो रिकॉर्ड है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका 15 बार नाम दर्ज हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो नीचे देखते हैं हम लोग मनरेगा। तो मनरेगा 2019 की बात करते हैं, तो देश में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या लगभग 34 लाख है। तो देश में कितने हैं? 34 लाख है, और छत्तीसगढ़ का स्थान इसमें कितना है? 8वां है। देखिए 1,25,381 पंजीकृत श्रमिक कहाँ से हैं? तो छत्तीसगढ़ से हैं। इसमें बात करें प्रतिदिन भुगतान राशि की, तो 174 रुपए है मनरेगा में। और साथ ही दिव्यांग रोजगार की बात करें तो 22,966 लोग नवम्बर 2019 तक क्या है? रजिस्टर है, पंजीकृत है श्रमिक में। कौन? दिव्यांग में। सर्वाधिक बात करते हैं दिव्यांग में, तो राजनांदगांव में देखिए 4,411 है, कबीरधाम में 2,603 है, और सुकमा में 1,937 लोग हैं, और नारायणपुर में 64 लोग हैं। तो हमें याद क्या रखना है? सर्वाधिक याद रखना है, सर्वाधिक कहाँ है? राजनांदगांव में है, और सबसे न्यूनतम कहाँ है? तो नारायणपुर में है 64 लोग। ये आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ के प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की बात करें तो देखिए 3 जगह प्रस्तावित है अभी मेडिकल कॉलेज का। तो कहाँ कहाँ है? कांकेर, महासमुंद और कोरबा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज अभी प्रस्तावित है, ये तीनों नाम आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं इसी में, देखते हैं हम लोग सुरभि तिवारी, मिसेस एलिजेंस टूरिज्म इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता है। तो सुरभि तिवारी जो है, जो छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं, वो मिसेस एलिजेंस टूरिज्म इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता है। मिसेस एलिजेंस टूरिज्म इंटरनेशनल 2019 का आयोजन
29 नवंबर से 6 दिसंबर तक थाईलैंड में किया गया था। तो ये जो करेंट अफेयर है दिसंबर के पहले सप्ताह का है, तो मैंने इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कैलाश जोशी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, कैलाश जोशी जो है अविभाजित छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनका निधन हो गया। कैलाश जोशी 1977 में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इस कारण वो मुख्यमंत्री के पद को छोड़ देते हैं। इनका जो निधन हुआ है, तो अभी ये 90 साल के थे जब इनका निधन हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें छत्तीसगढ़ के जो करेंट अफेयर, उसमें रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं की संख्या 23 लाख से अधिक है। देखिए, जो रिपोर्ट आई उनके अनुसार छत्तीसगढ़ में युवा बेरोजगार कितने, 23 लाख से अधिक है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले और देखा कि जो युवा बेरोजगार की संख्या है 25 लाख बताई जा रही है। तो देखिए, लगभग काफी संख्या में छत्तीसगढ़ में युवा बेरोजगार अभी हैं, और इसमें सर्वाधिक बेरोजगार कहाँ है, युवा दुर्ग जिला में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जसपुर महोत्सव, जसपुर महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से। 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक हुआ है और ये 3 दिवसीय महोत्सव था। इसमें जो है भूपेश बघेल जी गए हुए थे लास्ट दिन 12 दिसंबर के दिन। तो देखते हैं हम लोग, आयोजन का स्थान था सलिया टोली ग्राम पंचायत, मतलब सलिया टोली ग्राम पंचायत में कुनकुरी ब्लॉक के जसपुर में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, जसपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जसपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय बनाने की घोषणा की गई। तो यहाँ पे उन्होंने घोषणा की है क्या, उद्यानिकी महाविद्यालय बनाने की। आगे बढ़ते हैं इसी में, टामन सिंह सोनवानी मुख्यमंत्री के सचिव नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो नियुक्ति हुई है अभी 13 दिसंबर को ही है और मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में हुए हैं, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो टामन सिंह सोनवानी है 2004 के आईएएस है, कब के हैं आईएएस, 2004 के हैं, और ये अभी मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो देखिए, ये जो करेंट अफेयर है दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह का करेंट अफेयर है। तो यहाँ तक का करेंट अफेयर हम लोगों ने तो आपको बता दिया, लेकिन आपको अगर जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के पूरे करेंट अफेयर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके ₹39 पेमेंट करके आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप ज्वाइन हो जाइए।